दोस्तों नमस्कार एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर लाइव राजनीति हो या समाज नीति हो कोई भी कार्य क्षेत्र हो व्यक्ति के सामने ऐसे कई मौके आते हैं जब वो दौराही पर होता है ऐसे मौके किसी के जीवन में एक बार आते हैं किसी के जीवन में दो बार आते हैं किसी के जीवन में बार बार आते हैं कि उनको फैसला लेना होता है कि वो इधर हों या उधर हों राजनीति के अंदर जब व्यक्ति दोराहे पर होता है तो फिर वो सोचता है कि आखिर कौन सी राह जाया जाए जो मंजिल तक पहुंचा दे। हालांकि जिस रास्ते पर आदमी चलता है वो कभी उसको मंजिल पर पहुंचा देती है तो कभी कहीं भटका देती है लेकिन क्योंकि राही का काम है चलना राही का काम है बढ़ना अगर वो चलेगा नहीं तो फिर मंजिल की उम्मीद करना ही बेमानी है आज के इस वीडियो में मैं आपसे जिस बात को लेकर चर्चा में हूँ वो ये है कि पलवल के पूर्व विधायक हैं सुभाष चौधरी इंडियन नेशनल लोकदल से एक बार विधायक बने अपने पराए सब में चाचा चौधरी के नाम से मशहूर हैं उनको लोग चाचा चौधरी के नाम से कहते हैं जो पुराने लोग उनके जानकार हैं उनको चाचा कहा करते थे और जो बाद में जुड़े क्योंकि वो चाचा लोग उनको प्यार मोहब्बत से कहते थे और चौधरी उनके सरनेम लिखा जाता है हालांकि सरनेम तो उनका बढ़ाना है लेकिन उन्होंने पीछे लिखना शुरू किया सुभाष चौधरी मैं आपसे बता रहा हूं कि सुभाष चौधरी एक बार फिर राजनीतिक रूप से दौराहे पर हैं इस सोच में हैं कि करें तो करें क्या आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो दौर आया था जब वो इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे चाचा चौधरी और वो दौर आया जब इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति पतली होने लगी परिवार बट गया पार्टी दो हिस्सों में हो गई एक तरफ इनेलो रही एक तरफ जे बन गई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नज़दीक हुआ करते थे सुभाष चौधरी अभय सिंह चौटाला के नज़दीक हुआ करते थे जब पार्टी बिखरी पार्टी दो हिस्सों में हुई तो सुभाष चौधरी ने उस समय इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया और इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने के बाद दौराहे पर आए सुभाष चौधरी वो दोराहा ये था कि उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना था लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता कौन सा बने वो नहीं बन पा रहा था सुभाष चौधरी ने उस समय कई पंचायत की कई बातें की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा करते थे कि मैं चुनाव में कैंडिडेट हूं दावेदार हूं बहुत बातें चलती रही सुभाष चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के जो प्रयत्न थे जो जुगाड़ थे वो सब लगाए वो आध्यात्मिक गुरुओं से ले करके और राजनीतिक लोग सबसे मिले कि भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो कारण सिर्फ एक चीज़ थी बस तो कि एंट्री हो जाए चुनाव लड़ना टिकट मिलना ये तो बाद की बातें थी लेकिन सुभाष चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में आसानी से एंट्री ही नहीं हो पा रही थी कभी वो कृष्णपाल पाल गुजर के दरबार में तो कभी भगवान कृष्ण के दरबार में यानी कि वृंदावन कहीं कहीं जहाँ जहाँ गए लेकिन एंट्री उस समय हुई भारतीय जनता पार्टी में जबकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया चौधरी साहब चले गए भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन किया दीपक मंगला को मुझे आज भी ध्यान है वो दिन और जो राजनीति में रुचि रखते हैं खासकर जो पलवल फरीदाबाद इलाके के हैं उनको पता भी होगा कि जिस दिन सुभाष चौधरी की ज्वाइनिंग हुई भारतीय जनता पार्टी में कृष्णपाल गुजर उनके निवास पर गए और वहाँ से उनको साथ लेके आए सांची ग्रीन एक बैंकविट हॉल है पलवल में माल गोदाम रोड पर और उसमें कार्यक्रम चल रहा था दीपक मंगला का दीपक मंगला कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे सुभाष चौधरी की वहाँ ज्वाइनिंग हुई उनको माला पहनाई गई बहुत सारी बातें हुई और सब कुछ हुआ लेकिन आखिर चाचा आ गए भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी में आकर के उन्होंने कहा कि तीनों विधायक मैंने बनवाए पलवल होडल हथीन तीनों विधायक दबंग नेता तो हैं ही सुभाष चौधरी अपनी बात उन्होंने कही कि मैंने ही विधायक बनवाए हैं सारे और वो दिन धीरे धीरे चलते चलते वो आया कि उनका बीजेपी से मोह भंग होता गया एक के बाद एक के बाद एक उनके खिलाफ एफ तक हुई एफ एक बार तो हुई थी जब वो विपक्ष के विधायक थे और दूसरी बार फिर एफ हुई उनके खिलाफ और आप देखिए क्या अजीब विडम्बना है कि दोनों बार एफ में नगर परिषद रही उसके अंदर उनके खिलाफ एफ होने में जब सुभाष चौधरी विधायक थे कांग्रेस की सरकार थी 2009 से 14 के दौरान में तो सुभाष चौधरी के खिलाफ एस एक्ट में एफ हुई और एफ करवाने वाले थे नगर परिषद पलवल के चेयरमैन नेत्रपाल सिंह और जब वो बाद में 2019 से और जब 2024 वाला दौर चल रहा है 19 में जब उन्होंने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी को तो उनके खिलाफ फिर एक एफआईआर हुई थाने में पलवल सिटी थाने में और वो एफआईआर भी करवाई नगर परिषद के पहली बार चेयरमैन ने करवाई अब की बार करवाई कार्यकारी अधिकारी ने लेकिन हुई कहते हैं चेयरमैन के इशारे पर चाचा चौधरी कहते थे कि चेयरमैन ने और विधायक ने मिलकर एफ करवाई खैर सुभाष चौधरी जमे रहे भारतीय जनता पार्टी में कई दिन तक वो लगे रहे और एक दिन फिर वो आ गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी टाटा बाय बाय कह दिया अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि वही दौर जब उन्होंने पहले इनेलो छोड़ी थी तब भी तब भी वही समय था और जब जब उन्होंने अब बीजेपी छोड़ी तब भी वही समय था अब सुभाष चौधरी इनेलो आ, भाजपा छोड़ करके और उन्होंने समर्थन दिया महेंद्र प्रताप को चौधरी महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको समर्थन दिया उनके पक्ष में पंचायत भी की चाचा चौधरी पंचायतें बहुत करते हैं तो पंचायत भी की पंचायत में समर्थन भी दिया और चुनाव में जुटे उनके में अब सुभाष चौधरी कई दिन से लगे हुए हैं अब उन्होंने पिछले दिनों एक और पंचायत की उस पंचायत में उन्होंने फिर से कहा कि भैया अब आने वाले दस पाँच दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा वो पंचायत हुए लगभग छः सात दिन उनके हो चुके हैं कहा कि अब कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा और चुनौती बनूंगा करण सिंह दलाल के लिए कह रहे हैं कि अभी तक तो केवल करण सिंह दलाल ही थे करण सिंह दलाल कांग्रेस ही थी अब मैं भी चला जाऊंगा तो फिर उनके लिए चुनौती तो बन जाएगी इसलिए मैंने कहा कि सुभाष चौधरी दौराहे तो पर हैं सुभाष चौधरी मैं इसलिए आपसे कहा कि दौराहे पर हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ चुके कांग्रेस में जाना है कांग्रेस में जाएंगे कौन से रास्ते से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सानिध्य में जाएंगे क्या कहा भी था उन्होंने पंचायत में कि पार्टी आला कमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अब हुड्डा साहब दलाल साहब के समधी हैं सुभाष चौधरी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक सोशल मीडिया पे उसमें वो कह रहे थे उन कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह गए करण सिंह दलाल के बारे में सारी बातें मंत्री बनाने तक की बात कह गए लेकिन फिर भी पंचायत में तो उन्होंने यही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन करूँगा कांग्रेस आला के नेतृत्व में ज्वाइन करूँगा तो हुड्डा साहब की तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जो अभी हाल ही में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था करण सिंह दलाल का उसके अंदर जितने शान में कसीदे पड़े उसके बाद ये बात जाती है कि करण सिंह दलाल का अपना वद, वजन और कद जो है कांग्रेस में बरकरार है हुड्डा साहब के वो रिश्तेदार भी हैं समी भी हैं और खुद हुड्डा साहब ने स्टेज से कहा था अंदाज भी कुछ ऐसा था कि जिससे तय हो गया था साबित हो रहा था कि करण सिंह दलाल का औरा और कद कांग्रेस के अंदर हुड्डा परिवार के साथ में हुड्डा साहब के साथ में चाहे वो रिश्तेदारी है जो कुछ भी है यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो ऐसा लोगों के बीच संकेत गया था कि लोकसभा की टिकट करण दलाल को नहीं मिली तो कहीं क्या करण दलाल कमजोर हो गए लेकिन उस कार्यकर्ता सम्मेलन ने उनको मजबूती दी और अब इधर सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो फिर चुनौती बन जाऊंगा करण सिंह दलाल के लिए टिकट मांगने वाला तो एक आदमी सामने आ ही जाएगा और कह रहे हैं कि अभी तक तो पलवल में कांग्रेस मीन्स करण सिंह दलाल है फिर ऐसा नहीं रहेगा चौधरी साहब आप गए तो भारतीय जनता पार्टी में भी थे और अगर मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी पलवल में कितने ही नेता कैंडिडेट घूम रहे हों कितने ही नेता हों लेकिन पलवल के अंदर भी रहा तो यही अभी तक चला तो यही कि दीपक मंगला मीन्स भारतीय जनता पार्टी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेताओं तक चाहे नीचे संदेश संकेत कुछ भी हो लेकिन दीपक मंगला का कद और वजन बरकरार है वहां तो आला कमान में और इधर आप कांग्रेस में जा रहे हैं तो कांग्रेस में करण सिंह दलाल का वजन और कद बरकरार है इधर चाचा चौधरी कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस में जाऊंगा और चुनौती बनूंगा तो बड़ी बात आ जाती है कि आखिर कांग्रेस में ज्वाइनिंग कब होगी कैसे होगी अगर वो हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं तो खुद ही तो कहा सुभाष चौधरी ने कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में ज्वाइन करूंगा और खुद ही कहा उन्होंने कि हुड्डा तो करण दलाल को मंत्री बना गया ये शब्द भी कहे और फिर अब कह रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान तो भैया क्या राहुल गांधी ज्वाइन करवाएंगे उनको मल्लिकार्जुन खड़गे ज्वाइन करवाएंगे उनको बहुत सारी बातें हैं हालांकि ज्वाइन कोई भी करवा सकता है सुभाष चौधरी वजनदार नेता हैं पुराने विधायक हैं और एक बात और है दोस्तों एक बात और है स्वागत तो करण सिंह दलाल भी कर रहे हैं एक सोशल मीडिया पर वो करण सिंह दलाल ने भी कहा कि अगर आते हैं सुभाष चौधरी तो उनका स्वागत है अगर वो शामिल होते हैं लेकिन भैया स्वागत कैसा सुभाष चौधरी तो दलाल साहब आपकी मीटिंग में भी आए थे कहीं वही वाला स्वागत तो नहीं करेंगे अब भी आप लोगों के बीच बात जाती है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी महेंद्र प्रताप के समर्थन में करण सिंह दलाल की एक सभा हुई थी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उस कार्यकर्ता सम्मेलन में बिन बुलाए मेहमान थे चौधरी सुभाष खुद पहुंच गए थे चले भी जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो वहाँ मंच का नज़ारा था वो लोगों को बताने के लिए काफ़ी है कि कैसा स्वागत होता है खैर अब सुभाष चौधरी कह रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी तो छूट चुकी क्योंकि बीजेपी में बहुत दिन रहे इसलिए बार बार बात आ जाती है कांग्रेस में जाऊंगा अगर तो फिर एक चुनौती बन जाऊंगा मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि जब उनको 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी तो वो बहुत समय लग गया उनको और हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वही वाला स्टाइल रहा कि उनकी ज्वाइनिंग भी तब हुई जब भाजपा का टिकट तक डिक्लेयर हो गया दीपक मंगला के लिए टिकट की घोषणा तक हो गई उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई अब कांग्रेस में भी क्या उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी और या फिर क्योंकि चुनाव तो सर पर है अब अगले आने वाले डेढ़ दो महीने के अंदर ढाई महीने के अंदर के अंदर मैक्सिमम है ढाई महीना तो जिसमें कि चुनाव हो जाना है जब तक यानी कि अगले एक डेढ़ महीने के अंदर चुनाव आचार संहिता लग जानी है चुनाव का आगाज हो जाना है चुनाव शुरू हो जाना है तो चाचा चौधरी का नंबर कब आएगा जब वो शामिल होंगे कांग्रेस में और फिर चुनौती बनेंगे करण सिंह दलाल के लिए बड़ा सवाल ये है मैं आपको जो बता रहा हूं कि क्या वाकई आपको भी लगता है जो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर राजनीतिक दौराहे पर हैं सुभाष चौधरी क्या आपको भी ऐसा ही लगता है और क्या आपको क्या लगता है कि अगर सुभाष चौधरी की कांग्रेस में एंट्री होती है तो क्या फिर वो करण सिंह दलाल के लिए कोई चुनौती बन पाएंगे और या फिर कोई ऐसा समझौता हो जाएगा जिसमें कि दोनों की ढकी रह जाएगी कमेंट्स बॉक्स में आप भी ज़रूर बताएं जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना नमस्कार धन्यवाद